आपको बोला जाता है इन अ टू डिजिट नंबर, नंबर कितने डिजिट का है, टू डिजिट, क्या आपको पता है, नहीं पता है। द यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द टेंस, द यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द टेंस, यानी कि अब आपको अज्यूम करना पड़ेगा लेट द यूनिट्स डिजिट बी एक्स। मान लो कि यूनिट डिजिट पे कितना आता है एक्स, और एक काम कर लो यहाँ पे ना रफर में ऐसे बना भी लो कि भाई ये रहा यूनिट डिजिट, यूनिट के नीचे हम यूनिट लिखेंगे, यूनिट क्या माना है आपने एक्स, और ये रहा आपका टेंस। ओके, टेंस, टेंस प्लेस पे माना क्या आता है, लेट द टेंस डिजिट बी वाई, टेंस पे कितना आता है आपका वाई। सुनिए, सुन लीजिए भाई, ऐसे ही तो मैं आपको पहले भी तो बताता था ना, जैसे कि मैंने 25 एग्जांपल मान लीजिए अगर लिया है तो 25 में यूनिट प्लेस पे 5 आता है और टेंस प्लेस पे क्या आता है आपका 2। तो मैंने बोला था नंबर कैसे बनाते हो, तो आपने मेरे को बोला था कि वंस को किससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि यूनिट्स पे जो है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और टेंस प्लेस पे जो है यानी कि 2 उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को ऐड कर दो, 20 + 5 = 25। भाई यहाँ पे भी यही कर लो, ठीक है। अभी तक आपको सिर्फ यूनिट डिजिट पता चला है, टेंस डिजिट पता चला, आपको नंबर नहीं पता चला है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर क्या रहा होगा, तो आप बोलोगे नंबर इस तरीके से रहा होगा कि x इंटू 1 करेंगे प्लस यूनिट्स को 1 से, यानी कि वंस प्लेस पे जो उसको 1 से, और टेंस प्लेस पे जो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और बीच में क्या लगा दो, प्लस का साइन। तो 10 इंटू y क्या होता है आपका 10y, प्लस x इंटू n क्या होगा, x इंटू 1 क्या होगा x, यानी कि आपका जो नंबर है वो क्या है 10y प्लस x है, ठीक है। ये बात समझ में आती है, अब ये आपका नंबर बन गया। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं क्या कोई कंडीशन लगा रहा है, कह रहा है इन अ टू डिजिट नंबर। देखो जैसे ही उसने बोला टू डिजिट का नंबर, तुरंत मैंने सोचा कि यूनिट x मान लेते हैं, यूनिट डिजिट क्या है x है, और टेंस डिजिट क्या है y, लेकिन वो बोल रहा है इन अ टू डिजिट नंबर, यानी कि नंबर भी बनाना है। तो नंबर बनाने के लिए क्या किया, यूनिट प्लेस को 1 से और टेंस प्लेस पे जो डिजिट आती यानी कि बायस को 10 से मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ दिया, तो आपको क्या मिल गया, नंबर मिल गया। आइए देखते हैं इसमें खास बात क्या है, कहता है द यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द टेंस, द यूनिट्स डिजिट इज, यूनिट अपोस्ट्रोफी एस लगाया, यानी कि यूनिट की डिजिट जो होती है, यूनिट की डिजिट जो होती है, देख के बताओ मुझे यूनिट डिजिट कौन सी है, एक्स है, तो यूनिट्स की जो डिजिट होती है, द यूनिट्स डिजिट इज का मतलब क्या लगाना है, इक्वल टू, यूनिट डिजिट इज इक्वल टू ट्वाइस द टेंस, ट्वाइस का मतलब 2 × 2, दो गुना है, किसका दो गुना है, टेंस का दो गुना है, टेंस पे कौन सी डिजिट आती है वाई, तो 2 × y, ठीक है ना, चेक कर लीजिए फिर से, द यूनिट डिजिट इज इक्वल्स टू ट्वाइस द टेंस, यानी कि x इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 2y आ गया, ठीक है, ये आपका एक इक्वेशन बना, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं क्या बोला जाता है, इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, ध्यान दीजिए प्लीज, वैसे तो आपका नंबर क्या था 10y प्लस x, वैसे तो आपका नंबर क्या था 10y प्लस x, कहता है इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, यानी कि नंबर में अगर आप 27 ऐड कर दें, तो भाई इसमें आप 27 ऐड कर दो ना, क्या दिक्कत है। मान लो मैंने आपसे बोला कि 25 में 27 ऐड कर दो, तो आप क्या बोलोगे 25 + 27, मैंने बोला इस नंबर में 27 ऐड कर दो, तो आप क्या बोलोगे 10y + x + 27, ध्यान दीजिएगा जरा, ये मेरा नंबर था, नंबर क्या था 10y + x, अगर मैं इसमें 27 ऐड कर देता हूं तो उसका कुछ रिजल्ट होगा, उसे जरा पढ़ते हैं, इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, तो होता क्या है, जो होता है उसको इसके आगे लिखेंगे इक्वल टू लगा के, क्या होता है आइए पढ़ते हैं, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, यहां पर कैच है, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, यानी के जो वंस था वो, जो यूनिट प्लेस पे था वो टेंस प्लेस पे चला जाएगा, जो टेंस प्लेस पे था वो यूनिट प्लेस पे चला जाएगा। ओके, तो इसका मतलब है, जरा ध्यान दीजिएगा प्लीज, अगर ऐसी घटना घटे क्या हो रहा है देखिएगा प्लीज, अगर ऐसा हो जाता है, कैसा हो जाता है,
कि दिया गया जो नंबर था, और नंबर मैंने पहले ही बना के रखा है 10y plus x, अगर उसमें 27 ऐड कर दिया जाए तो क्या रिजल्ट आता है? देन द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, यानी कि यूनिट प्लेस पे जो डिजिट थी वो टेंस प्लेस पे चली जाएगी, यानी कि x आ जाएगा 10 प्लेस पे, और टेंस प्लेस पे जो डिजिट थी यानी कि y, वो यूनिट्स प्लेस पे चली जाएगी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, जब ऐसा हो गया तो नया नंबर क्या होगा? बना सकते हो नया नंबर? रूल तो वही, नंबर बनाने का रूल क्या है बताइए? नंबर बनाने का रूल है कि यूनिट को 1 से, यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट हो उसको 1 से, यानी कि y को करेंगे 1 से, प्लस टेंस पे जो हो, टेंस पे जो डिजिट हो उसको 10 से, यानी कि 10 into x, दोनों को ऐड कर दोगे तो आंसर क्या जाएगा? 10x plus y। ये 10x plus y क्या है भाई? न्यू नंबर है ना? बस क्या दिक्कत है, यही तो हुआ। पुराने नंबर में यदि आप 27 ऐड कर देते हो तो जो नया नंबर आएगा वो ऐसा आएगा कि जो डिजिट यूनिट पे थी वो टेंस पे चली जाती है, जो टेंस पे थी वो यूनिट पे चली जाती है। यानी कि पहले नंबर था 10y plus x, और इसी नंबर में अगर हम 27 ऐड कर दें तो ये नंबर इक्वल हो जाता है उस नंबर के, किसके? उस नंबर के जो नंबर ऐसे मिला है। कैसे मिला है? कि पहली वाली कंडीशन में अगर डिजिट्स को चेंज कर दें तो मिला है। जो समझ में आई बात, फिर से मैं रिपीट करता हूं, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक यूनिट प्लेस को एक्स मान लीजिए, टेंस को वाई मान लीजिए, सबसे पहले एक नंबर बना लीजिए, ये आपका ओरिजिनल पुराना वाला नंबर होता है। कैसे बनाते हैं? जो यूनिट होता है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो टेंस होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक नंबर बनेगा। फिर क्वेश्चन पढ़िए जाके, क्या बोला जाता है इस क्वेश्चन में? बोला जाता है कि अगर नंबर में 27 ऐड कर दिया जाए, तो नंबर में मैंने 27 ऐड कर दिया जाए तो इसका जो रिजल्ट आता है उसको इक्वल टू लगा के आप लिखते हो, इसका रिजल्ट ये आता है कि डिजिट्स इंटरचेंज हो जाती हैं। अब भाई डिजिट अगर इंटरचेंज होंगी, जैसे कि मान लो ये 25 है और मैंने बोला डिजिट इंटरचेंज करो, तो 5 इधर चला जाएगा और 2 इधर, मैं बोलूंगा नंबर बनाओ तो आप बोलोगे 2 को कर दो 1 से मल्टीप्लाई और 5 को कर दो 10 से मल्टीप्लाई, ऐड कर दो 52 बन जाएगा। वही मैंने किया, पहले तो डिजिट को इंटरचेंज किया, एक्स इधर चला गया, वाई इधर चला गया, अब नंबर बनाया। नंबर बनाने का रूल वही है क्या, कि यूनिट प्लेस को 1 से और टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो नया नंबर कितना है? 10x plus y। यही तो होता है कि पुराने नंबर में अगर 27 ऐड करते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाता है? न्यू नंबर के। देखिए एक इक्वेशन तो आपकी ये रही क्या, कि जो यूनिट डिजिट है वो टेंस का 2 गुना है। पढ़ लो, द यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द टेंस डिजिट, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन आपका यहां से आएगा, x और y में दो रिलेशन चाहिए ना, चलो दूसरा यहां से बनाते, क्या हो जाएगा इसको कहां करें, चलो यहीं पे करते हैं। 10y plus x, 27 को राइट में भेज दो, -27 हो जाएगा, इस 10x को लेफ्ट में लाओ तो -10x, y को लेफ्ट में लाओ तो -y, ठीक है ना। 10y minus y क्या हो जाएगा आपका? 9y, चलो इसे हटा देते हैं ना। देखो y लेफ्ट में आया, 10y y लेफ्ट में आके माइनस हो जाएगा, 10y minus y क्या हो जाएगा आपका? 9y। और देखिए x माइनस 10x माइनस 9x इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका? -27। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। बस फर्स्ट और 2 को सॉल्व कर लीजिए। कैसे करोगे? x इज इक्वल्स टू 2y किस में पुट करोगे? सेकंड इक्वेशन में। तो सेकंड इक्वेशन में जहां जहां सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है ना, अभी ये 2 वेरिएबल में है, x की अगर हम वैल्यू कितनी रख दें 2 है, तो ये 1 वेरिएबल y में बन जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, तो 9 इंटू x की वैल्यू कितनी रखनी है? 2 है। बस अब इसको सॉल्व करते हैं, 9y माइनस 9 to the 18, 18y इज इक्वल्स टू -27, चेक कर लीजिए। 9y, 9 to the 18, -18y is equals to -27, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा माइनस का, ओके okay? तो 18 में से 9 जाएगा, 9 आएगा लेकिन साइन किसका लगाएंगे? माइनस का, इज इक्वल्स टू -27। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 9y is equals to कितना आ गया? दिस इम्प्लाइज दैट 9y is equals to 27, तो y is equals to 27/3, ओके okay? यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई? 9, याद रखिएगा y की वैल्यू कितनी आई है? 9 है। यानी कि जो आपका ओरिजिनल नंबर था ना, उसमें जो टेंस प्लेस था वहां पर क्या है? 9 है। अब आगे बढ़ते हैं,
x का वैल्यू निकालना है. x कैसे आएगा, 2 टाइम्स y फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. x इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स y का वैल्यू कितना है, 9. तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 y, 2 9 जा 18. यहां पे शायद कुछ गड़बड़ हुई है. ओके y का वैल्यू शायद, हाँ यहाँ पे काटा ही गलत है शायद हमने, है ना, 9 आएगा ना भाई नीचे, यहाँ 9 आएगा. तो 9 3 जा कितना होता है 27, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया, 3. तो y कहाँ गया हमारा, y का वैल्यू 3, यानी कि टेंथ प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या है, 3 है. अब फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू रखिए 3, 2 3 जा 6, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 3. यानी कि आपका यूनिट प्लेस पे कितना है, 3. ओके क्या हो रहा है भाई, ये 6 आएगा यहाँ, 6. ओके तो यूनिट प्लेस पे कितना है, 6 है. तो वो नंबर क्या है आपका, बता सकते हैं नंबर क्या है, नंबर क्या था आपका, 10y प्लस एक्स. वैसे तो सीधे सीधे दिख रहा है नंबर कितना बनेगा, 36. पर अगर आपको सॉल्व करना हो तो सॉल्व कर लो, देखते हैं नंबर कितना बनता है. 10 into y, यानी कि 10 into y का वैल्यू कितना है, 3 है, प्लस x का वैल्यू, x कितना है, 6 है. 10 into 3 30 होता है, प्लस 6 36 होता है. ओके तो वो नंबर क्या है, 36 है. अब चलो देखते हैं हमारा आंसर ठीक है कि नहीं है. ओके तो आंसर ठीक है कि नहीं है देखने के लिए मैं एक काम करता हूं, जो जो बोल रहा है वो मैं चेक करूंगा. क्या ये पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 36 आपका नंबर है ना, जिसमें यूनिट प्लेस पे कौन है, 6 है, और टेंथ प्लेस पे कौन है, 3 है. चेक करो यूनिट प्लेस पे जो नंबर आ रहा है वो क्या टेंथ प्लेस का 2 टाइम्स है. यस, यूनिट प्लेस का नंबर जो है वो टेंथ प्लेस पे जो नंबर आ रहा है यानी कि 3 का क्या है, 2 टाइम्स है. यही तो बोला जाता है, पढ़िए, यूनिट डिजिट ट्वाइस द टेंस. पहला कंडीशन फॉलो हो गया, चेक करो दूसरा कंडीशन फॉलो होता है क्या. क्या बोला था दूसरे कंडीशन में, कि इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, यानी कि इस 36 में, इस 36 में अगर हम कितना ऐड कर दें, 27, 7 प्लस 6 होता है आपका 13, 1 यहां जाएगा, 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6, नंबर क्या बन जाता है, 63. यही तो बोला गया भाई कि अगर नंबर में 27 ऐड कर दें तो जो नंबर था, नंबर क्या था, 63, वो डिजिट इंटरचेंज कर लेता है, यानी कि 6 इधर आ जाता है टेंस पे और 3 कहां जाता है, यूनिट पे. यही तो बात है, बन तो गया 63 अगर पुराने नंबर में 27 ऐड कर रहे हैं तो 63 बन जा रहा है. चलो